नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जमीन रजिस्ट्री की दर में बढ़ोतरी को लेकर होगी समीक्षा बैठक, कमेटी का हुआ गठन। रजिस्ट्री की दर में बढ़ोतरी को लेकर सरकार लेगी अंतिम फैसला। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 28 सितंबर को अरवल में लग रहा रोजगार कैंप, 10वीं 12वीं पास युवा ले सकते हैं भाग। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टीम बीट पेट्रोलिंग का होगा गठन, स्कूल, पार्क, बैंक या भीड़भाड़ वाले जगहों पर तैनात रहेगी स्पेशल टीम। डीजीपी ने बैठक में स्पेशल टीम तैयार करने का लिया फैसला। 5 से 16 अक्टूबर तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द, नवरात्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जारी हुआ आदेश, असामाजिक तत्व हो जाएं सावधान। केकेआर को मिला गौतम गंभीर का विकल्प, ड्वेन ब्रावो बने टीम के नए मेंटर, लंबे समय से चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े थे ब्रावो। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सरकार ने बिहार में जमीन की रजिस्ट्री की दर में बढ़ोतरी को लेकर अपने स्तर से अभी तक निर्णय नहीं लिया है। हालांकि एक कमेटी का गठन हुआ है जो इसकी मौजूदा दर और उसमें बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए नए रेट पर मंथन कर सके। इस कमेटी का गठन निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव सह आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में जल्द ही इसकी अहम बैठक होगी। MVR यानी निबंधन की न्यूनतम दर की संभावित दर या चुनिंदा क्षेत्रों में अगर दर बढ़ोतरी की गुंजाइश बनती है तो बैठक में विचार किया जाएगा और राज्य सरकार को कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद MVR की दर में बढ़ोतरी की जाए या नहीं, इसका अंतिम फैसला राज्य सरकार लेगी। विश्व भर में प्रसिद्ध गया का पितृपक्ष मेला चल रहा है। इसमें लाखों श्रद्धालु अपने पितरों की मोक्ष के लिए पिंडदान करने आ रहे हैं। गया सीर और गया कूप के पास पितृपक्ष मेले के 11वें दिन पिंडदान का प्रावधान है। यहाँ पिंडदान करने से प्रेत बाधा दूर होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पिंडदान करने से प्रेत बाधा दूर होती है, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार गया कूप में नारियल अर्पित करने के बाद पिंडदानी को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आज गया में पिंडदान करने वालों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी। लाखों की संख्या में लोग गया जी धाम पहुंचे थे। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। दरअसल अरवल जिला नियोजनालय में 28 सितंबर को जॉब कैंप का आयोजन होने जा रहा है। ये जॉब कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रहेगा। 18 से 30 वर्ष के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। भाग लेने वालों को युवाओं को 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। इस बेरोजगार कैंप में 30 युवाओं को सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर चुना जाएगा। उम्मीदवारों को अपने साथ निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आना जरूरी है। रोजगार कैंप में भाग लेने से पहले जरूरी है कि आप NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। डीजीपी आलोक राज प्रदेश में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक स्पेशल टीम तैयार करने का फैसला लिया गया है। ये टीम पार्क, स्कूल, बैंक और अन्य सामूहिक या भीड़भाड़ वाली जगहों पर मुस्तैद रहेगी। इस स्पेशल टीम को बीट पेट्रोलिंग टीम के नाम से जाना जाएगा। यदि कोई अपराध की घटना को अंजाम देता है और मामले अधिक बढ़ने पर या स्थिति बिगड़ने पर टीम को गोली मारने का आदेश भी मिला है। हालांकि टीम की पहली कोशिश अपराधी को पकड़ने की होगी। ये बीट पेट्रोलिंग की टीम डायल 112 के रिस्पॉन्स टाइम की व्यवस्था के तहत ही काम करेगी। जैसे डायल 112 घटना वाली जगह पर 15 से 16 मिनट में पहुंच जाते हैं, वैसे ही बीट पेट्रोलिंग की टीम भी एक्टिव रहेगी। 30 सितंबर तक बिहार में इंटर स्पॉट राउंड के तहत नामांकन किया जाएगा। स्पॉट राउंड के तहत सत्र 2024-26 में 11वीं में बच्चे अपना नामांकन करवा सकते हैं। कम से कम 3 जगहों पर स्पॉट नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त सीटों की जानकारी स्कूल के प्राचार्य द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। जिस संकाय और जिस विषय में जहाँ सीट खाली है वहाँ के प्राचार्य से छात्र मिलकर नामांकन के लिए अनुरोध करेंगे। उसके बाद संबंधित प्राचार्य उन विद्यार्थियों का नामांकन लेंगे। इस स्पॉट नामांकन के तहत CBSE, CISE या अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण छात्र भी अपना नामांकन करवा सकते हैं। वहीं जिनका पहले नामांकन स्वतः रद्द हो गया था वे इस स्पॉट नामांकन के लिए फिर से आवेदन करेंगे।
शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से होने जा रही है। इस नवरात्र की धूम पूरे बिहार में होती है। जगह जगह पूजा पंडाल, मूर्ति स्थापना और मेले का आयोजन देखने को मिलता है। भीड़ भाड़ वाले इस समय को देखते हुए प्रदेश के पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 5 से 16 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं। आज पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी हुए पत्र के मुताबिक दुर्गा पूजा 2024 के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए दिनांक 5 अक्टूबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक सभी प्रकार के अवकाश विशेष परिस्थिति को छोड़कर बंद किए जाते हैं। सभी वरीय पुलिस अधीक्षक या समादेष्टा या प्राचार्य अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आज भी बिहार के 19% स्कूलों में बच्चों की प्यास कुएं के पानी से बुझ रही है। इसका खुलासा एनसीईआरटी की FLS यानी फाउंडेशन लर्निंग रिपोर्ट में हुआ है। आपको बता दें कि आज के समय में कुएं का पानी पीना बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर कर सकता है। इसके अलावा ये जानकारी भी सामने आई है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से पानी का स्टोर कर उसे पेयजल के रूप में 15% स्कूल इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 65% स्कूलों में जल का नल की व्यवस्था है। इस संबंध में विभाग की तरफ से जानकारी मिली है कि प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जो जिले हैं वहाँ पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से आज भी बच्चे कुएं का पानी पी रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। सभी स्कूलों में 2,97,000 की लागत से बोरिंग और वॉश मशीन व नल लगाए जाएंगे। एक बार फिर से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से जाने जाने वाले पवन सिंह विवादों के घेरे में आ चुके हैं। दरअसल मर्डर की धमकी देने के मामले में पटना के कदम कुआं थाना में पवन सिंह पर केस दर्ज हुआ है। दर्ज हुए केस के मुताबिक एक महिला यूट्यूबर को गोली मारने की धमकी देने के आरोप में पवन सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर कदम कुआं थाना अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि महिला रिपोर्टर के लिखित बयान पर केस दर्ज किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के गया में साइबर पुलिस टीम ने आमस थाना क्षेत्र के रेगानिया गांव में छापेमारी कर साइबर ठग करने वाले 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने इनके मोबाइल और दर्जन सिम कार्ड और अन्य सामग्री भी बरामद किए हैं, जिसमें साइबर फ्रॉड से जुड़े हिसाब किताब, अमेजोन के खाली डिब्बे, इन्वर्टर और LED फ्लड लाइट आदि शामिल थे। इन साइबर अपराधियों के नेटवर्क बिहार से तेलंगाना और महाराष्ट्र तक जुड़े हैं। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। गुरुवार की रात जयनगर से दिल्ली जा रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर बिहार में समस्तीपुर स्टेशन के आउटर सिग्नल पर पथराव की घटना सामने आई। पथराव में कुछ यात्री भी घायल हुए हैं। GRP के स्क्वाड पार्टी ट्रेन के अंदर मौजूद थी, तभी असामाजिक तत्वों ने पथराव की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद ट्रेन को कुछ देर समस्तीपुर में रोका गया और यहां यात्रियों का उपचार हुआ। उसके बाद ट्रेन मुजफ्फरपुर के लिए खुली और 45 मिनट की देरी से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची। पथराव में पेंट्री कार और उसके बगल की A1 और B2 कोच के शीशे टूट गए, साथ ही कई स्लीपर कोच की खिड़कियों पर भी पत्थर लगे हैं। अब एक बार फिर से बिहार में पुल गिरने का मामला सामने आया है। आज पुल गिरने से भागलपुर के पीरपैंती में बाखरपुर पंचायत समेत कई गांवों का संपर्क टूट गया। 2 साल पहले PWD ने इस पुल का निर्माण करवाया था। पुल टूटने के कारण प्रखंड मुख्यालय और बाजार से संपर्क पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये पुल 1,00,000 की आबादी को प्रखंड मुख्यालय और बाजार से जोड़ती थी, जिसके कारण अब ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण अब मांग कर रहे कि जल्द से जल्द इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। नकरदेई थाना के दरोगा को मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर थाना अध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ था, जहां वे शराब पार्टी करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। इस मामले में रक्सौल DSP को जांच का आदेश दिया गया था। जांच में खुलासा हुआ कि शराब पार्टी का ये वीडियो इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया के रक्सौल स्थित आवास का था। साथ ही दरोगा पर ड्रग्स माफिया से रिश्वत लेने का भी आरोप लगा है। अब इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है।
परिवहन पर्यटन एवं संस्कृति मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष जदयू के सांसद संजय कुमार झा को बनाया गया है। इसके अलावा रक्षा मामलों पर गठित संसदीय समिति की कमान बिहार से आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को सौंपी गई है। ये बीजेपी से पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी भी दी है। उन्होंने लिखा है कि परिवहन पर्यटन एवं संस्कृति के मामलों पर गठित संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे अपने साथी सांसदों के साथ मिलकर सड़क, नागरिक उड्डयन, जहाज परिवहन, पर्यटन और संस्कृति जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की नीतियों में योगदान देने में हमेशा तत्पर रहेंगे। देश के करोड़ों मजदूरों के हित में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत न्यूनतम मजदूरी दरों में भारी वृद्धि की जाएगी ताकि निर्माण, साफ सफाई और अन्य अकुशल कार्यों में लगे श्रमिक मजदूरों को आर्थिक लाभ मिले। इन मजदूरों को तीन श्रेणी में बांटा गया है। इसके तहत ए श्रेणी के मजदूर को निर्माण, सफाई, माल की लोडिंग अनलोडिंग में लगे अकुशल मजदूर हैं, उन्हें न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 783 रुपये दी जाएगी और महीने के 20,358 रुपये। वहीं बी श्रेणी के अर्धकुशल मजदूर जो कुशल, लिपिक और निहत्थे चौकीदार या गार्ड हैं, उन्हें प्रतिदिन 954 रुपये और हर महीने 22,568 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा सी श्रेणी के उच्च कुशल मजदूर और सशस्त्र चौकीदार या गार्ड को न्यूनतम मजदूरी 1,035 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। ये फैसला श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने और महंगाई से निपटने के लिए लिया गया है। अक्टूबर से ये नई मजदूरी दरें लागू हो जाएंगी। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप clcindia.gov.in पर जा सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स को अब नया मेंटोर मिल चुका है। दरअसल लंबे समय से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े रहे ड्वेन ब्रावो को केकेआर का नया मेंटोर नियुक्त किया गया है। मालूम हो कि चेन्नई सुपर किंग्स के ब्रावो गेंदबाजी कोच रह चुके हैं। उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है और अब केकेआर ने उन्हें मेंटोर बनाने की पुष्टि कर दी है। बता दें कि आईपीएल 2024 का खिताब केकेआर ने अपने नाम किया था। इस दौरान गौतम गंभीर टीम के मेंटोरशिप के कमान संभाल रहे थे। अब इन्हें भारतीय टीम का हेड कोच बना दिया गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिन के नाम है राजकिशोर महतो, सिंहेश्वर प्रसाद शर्मा, सुकांत शंकर, नुन्नू गोलू कुमार, सादुल्ला पालवी, नंद बाबू, प्रमिला कुमारी, विपिन बिहारी, अमरजीत यादव, गुनर शर्मा, बाबूलाल मरांडी, नरेंद्र कुमार, रवि मोहन वर्मा, अनवर करीम खान, मुन्ना प्रसाद, राकेश मिश्रा, राम रोहित कुमार, नीरज कुमार, रामनंदन निषाद, मनोज वर्मा, आदित्य कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, जुबैर आलम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ट्रेन पर लगातार हो रहे पथराव की घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।